शुरू करते हैं नव दे नाल गल्लां बातां दा सिलसिला। नव सिद्धू जी जिहड़ा गीत रिलीज होया इहदे बारे साडे लिसनर्स नूं दसो। ये मेरा जिहड़ा 15 अगस्त नूं आखिर गीत लॉन्च होया। बेसिकली ए ट्रैक इत्थे इक प्रोड्यूसर ने जस्ट अंतार नवे मुंडे ने पर काम बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि मेरी हमेशा ही होंगी है कि भी मैं कभी भी नाम के पिछे नहीं भजदा। मैं यह होंगे कि जो बंदा कोई काम कर रहा हो जो उस चीज़ में पूरे तरीके निभा रहा हो तो उन्हें काम करना हमेशा ही फायदा होंगे। तो मैं बहुत अच्छे तरीके गीत में बनाया तो मैं उम्मीद करता कि दसना फर्क नहीं पैदा होंगे जिन्हें जिस उस गीत में उस चीज़ में सुनते नहीं उस चीज़ देखते नहीं। तो मेरे सारे दोस्त मेरे उस गीत में यूट्यूब पर देख सकते हैं क्योंकि हजे इंग्लैंड च लॉन्च होया तो हजे सिर्फ इंग्लैंड के चैनल से चलिया ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵ ਸਿੱਧੂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਨਵ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ छोटा जहा पिंड है पिंड टहना। सो उत्थे मेरा बचपन जो मेरे बचपन के पहले 4 साल से उत्थे लंघे। उस तो बाद असी फिर जलंधर शिफ्ट हो गए थे एंड उस तो बाद फिर मेरी स्कूलिंग जी मेरी सारी हुई है वो जलंधर के बेची हुई है। एंड जो मेरा ये गाउन का मैं कहूँगा कि मैंने शुरू तो बहुत ज़्यादा भी गाउन का शौक नहीं था, ना ही मैंने मेरे डैडी वालों कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर से कि भी नहीं सिंगर बनना है तो बनना। उन्होंने यही कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਬਾਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ जी। ते नव दी जिहड़ी पहली परफॉर्मेंस सीगी या कोई स्टेज परफॉर्मेंस कॉलेज परफॉर्मेंस कित्थे सी ते कदों सी? बहुत ही सोहना क्वेश्चन है। सच्ची गल मैं जदों भी मेरी किसी इंटरव्यू हुंदी है मैनूं कई पुछदे हुंदे कि भाई दसो भी तुसीं किहड़ा कोई क्वेश्चन दसो जिहड़ा तुसीं चाहुंदे हो कि तुसीं पुछीए तां तुसीं मेरी दिल दी गल खोली स्नेहा जी। थैंक यू। सो मैंने हजे भी याद है जी मेरी लाइफ की सब तो पहली जी परफॉर्मेंस सी स्टेज परफॉर्मेंस सी स्कूल में सी तो मैं मेरे ख्याल तो अराउंड 1st या 2nd क्लास होंगे सीगा। पर परफॉर्मेंस कदे भुलदी नहीं क्योंकि उस परफॉर्मेंस दे विच मैं गाया नहीं सी बल्कि स्टेज के उपर मैं एक डायलॉग बोलिया सीगा। तो पंजाबी फिल्मां दे विच जिद्दां पहला डायलॉग हुंदे सीगे सो ओह एक डायलॉग बोलिया सीगा ते ओहदे विच जिहड़ी मेरी लुक सीगी पूरी कि जमले जट वाली लुक हुंदी है मतलब कुर्ता चादरा मतलब पाया होया मत्थे ते टिक्का ते जिद्दां जिहड़ा ओह मैं एक जिहड़ा ओह बोलिया सीगा इदां बोलिया सी कि ए जटपा नक ते मक्खी नहीं बहन दिंदा ते तू मक्खी खान नू मजबूर करदी है नड्डिए। सो यह जरा मेरा पहली बारी मैं मतलब स्टेज पर कुछ बोल आया परफॉर्म किया। सो दिस वाज समथिंग आई परफॉर्म एट द वेरी अर्ली एज ऑफ माई लाइफ। बहुत खूब। हमेशा याद है कि कदों मैं की बोलिया मेरा मेरी स्टेज किदां दी सीगी मैं कपड़े किदां दे पाए सी किस रंग दे पाए सी सब कुछ मेरे दिमाग विच ताजा है। बहुत वधिया डायलॉग सीगा ते उन्ने ही जज्बे नाल बोलिया जिन्ने जज्बे नाल तुसीं पहली बार बोलिया सी ना। इस डायलॉग विच डायलॉग ठीक है बहुत सोहना डायलॉग है पर जदों इस डायलॉग नूं कोई छोटा बच्चा यानी कि यह डायलॉग एक फिल्म पंजाबी फिल्म दे विच गुगू गिल साहब इस डायलॉग नूं बोल रहे हैं ठीक है जी ते मतलब एक बहुत ही सियाना बंदा डायलॉग बोलिया पर उस डायलॉग में जो एक बच्चा बोलता है तो वो मूँहों जो एक्सेंट होंगे है जिस तरीके बोलता वो चीज़ बड़ी ही प्यारी लगती है बहुत चंगी लगती है। बहुत सही बहुत सही। ते नव तुहाडा यूके नाल बहुत प्यार है उत्थे तुसीं बहुत सारे सॉन्ग्स गाए भी है वीडियो भी शूट कीते है। अपने जलंधर तो यूके दे सफर बारे सानूं चानना पाओ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ 2004 ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 2004 5 6 7 ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ क्योंकि उत्थे मैं जो इंडियन जाता रहा तो जाद्यासली कॉन्टैक्ट बनते हैं फिर लोगों के नाल है ना। तो उस बाद फिर होली होली फिर मैं डर नाल स्टेजिस पर जान लग गया, लाइक लाइव शोज से महफलों से या होर जो गिग्स होंगे उन्होंने जान लग गया। सो इस तरीके मेरे कॉन्टैक्ट से जो इतने प्रोड्यूसर ने या आर्टिस्ट ने उन्होंने बनने शुरू हो गए। सो होली 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 मैं मौका मिल लग गया कि मैं जो स्टेजिस होंगे उन्होंने जाके गावां परफॉर्मेंस करा। सो इस तरीके ये मैं कोई ज़्यादा एडा कोई मतलब एक प्लैन मेरा जो सफर नहीं प्लैन नहीं कुछ वे सब कुछ इट हैपन विद ऑल ऑफ अ सडन जी। ਤੇ ਨਵ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਡਿਨਬਰਾ ਗਲਾਸਗੋ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 60% ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ, 40% ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਦੇ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਬੋਰ ਆਫ ਇਟ जी। मैं इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखती रहनी हाँ कि ये तुसी बहुत छेती गोरियां नूं अपने दोस्त बना लिया है, तो वह बहुत शेयर करते हैं। देखो नव सिद्धू कितना सोहना डांस करता है और वाकई बहुत सोहना डांस करता है, तो बहुत सोहना गाँदा भी है जी। थैंक यू जी। ये तो बस ये तो स्रोतां का प्यार है, भावें उन्हां दी जिहड़ी चमड़ी दा रंग गोरा भावें काला, तो स्रोतां का प्यार ही है जी। ते नव तुसी प्लेबैक सिंगिंग कीती है प्योर पंजाबी फिल्म दे विच अपने डैड निर्मल सिद्धू जी नाल, ते किद्दां दा लगा तुहानूं प्लेबैक सिंगर दे रूप च काम करके, ते अगे प्लेबैक सिंगिंग दे कोई प्रोजेक्ट्स तुसी सोचे है या कोई हैगे है? मेरे वास्ते बहुत एक वड्डा स्टैप सीगा क्योंकि एक नवे बंदे वास्ते अचानक एक फिल्म दे विच गीत गाउण दा मौका मिलना, वो भी एक एडी वड्डी हस्ती दे नाल मेरे पिता जी श्री निर्मल सिद्धू जी। सो क्योंकि उसे कंपोजिशन ते उसे राग दे विच उसे सुर ते गाउणा सो बड़ी वड्डा चैलेंज हुंदा। बट इस चैलेंज दा मैं थैंक यू करदा मेरे वीर जमनीशा जी जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट कीता सीगा, ते उन्होंने कहंदे कि यार भी एक गाना हैगा भी एक्चुअली इट्स ऑल ऑफ काइंड ऑफ जो पार्टी होने लगी है तो वो सू गाना चाहिए है। सो उन्होंने सू लिरिक्स दिते क्या लिरिक्स है गया, सो दसो भी इहदा हम किवें करिए। असीं करदे रहे डर ने गाना गाया, फिर वो कहते कि नहीं इहनूं आपां कुछ इस तरीके नाल फिल्माउणा है। कहते दो बंदे जिहड़े है दो मुंडे ने ना ते दो मुंडे गीत गा रहे हैं, सो जिहड़ी दोहां दी वॉयस है वो सेम नहीं हो सकदी। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਬਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अच्छी आई फिल्म का बहुत वह रिस्पॉन्स रहा, गीत का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एंड नाल ही होर भी एक दो फिल्मों के जिदा गीतों का सफर है एंड आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दम जी। नव ते तुहाडा जिहड़ा छोटा ब्रदर है रॉबिन सिद्धू वो भी इसे लाइन दे विच काम कर रहा है, तो जदों तुसीं सारे इकट्ठे हुंदे हो घर दे विच फिर संगीतमय माहौल भी बन जांदा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि इहदा तुहानूं माहौल बनाउणा पैंदा है। जिन्ना चेर असीं वाजा चुक के ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੌਂਗ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM।